हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आज बात करने वाला हूँ सेंट लूसिया T10 ब्लास्ट का जो मैच नंबर 18 है उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस मैच से जुड़ी एक एक जानकारी आपको दूंगा, कौन सा प्लेयर चलने वाला है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होने वाला है, किसे विकेट मिलेगा, किसे विकेट नहीं मिलेगा, कौन सा बॉलर कितने ओवर कराएगा, स्टार्टिंग ओवर में कौन कराएगा, डेथ ओवर में कौन कराएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे होना चाहिए, और साथ ही ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा, और स्मॉल लीग की टीम के बारे में बताऊंगा, और GL के प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा, कई किसे आप अपनी किस किस प्लेयर को अपनी टीम में GL की टीम में रख सकते हो या फिर स्मॉल लीग की टीम में। उसके बाद आप को क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि एक बार यदि आपने लास्ट तक वीडियो को देख लिया तो किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, खुद से अपनी टीम बना पाओगे और ज़्यादातर बेटर रहेगा खुद से टीम बनाओ। यदि फिर भी आप खुद से टीम नहीं बनाना चाहते हो, आपको बनी बनाई टीम चाहिए, तो भाई क्या कर सकते हो ना, जो मैं टेलीग्राम पर अपनी टीम प्रोवाइड करता ना उस टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पर मैं हमेशा एक विनिंग टीम डालता हूँ, अच्छी सी टीम जो विनिंग करती है, चाहे वो टाटा IPL की बात कर ली या फिर पूनिया T20 जो लीग हो रही है, सॉरी पुणे T20 जो ट्रॉफी हो रहा है उसमें ले लो, चाहे फिर सेंट लूसिया T10 ब्लास्ट के जो मैचेस ले लो, सब में भाई अच्छी खासी टीम प्रोवाइड करो और हमेशा यह विन कर रहे हो, तो उम्मीद है कि इस मैच में भी विन करोगे। तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर देना मेरे लिए, और कॉमेंट बॉक्स में कुछ भी कॉमेंट कर देना, और जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो ये तो कुछ बातें हो गई, अब मैच से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले मैच नंबर 18 है, मैच टाइमिंग की बात करूँ तो रात को 12 बजे मैच होने वाला है। अगर यहाँ के मैं वेन्यू की बात करूँ, देखो वेन्यू की बात करूँ तो मैच कहाँ होने वाला है, ड्रेन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम मैच होने वाला है। अगर यहाँ के मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ ना कि पिच कैसी होने वाली, तो बैलेंस विकेट होने वाली है। पेसर्स और स्पिनर्स में से किसको यहाँ पर ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो जो ऑलराउंडर है ना भाई, जो ऑलराउंडर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से आपको पॉइंट दे रहे हैं, उनको ज़्यादातर कोशिश करना है अपनी टीम में लेने के लिए, और साथ ही साथ डेथ ओवर्स के बॉलर्स को अपनी टीम में लेना है। तो ये तो कुछ बातें होगी, अब सीधे से आएंगे प्लेयर्स के बारे में, किस प्लेयर को रखना चाहिए और किसे ड्रॉप करना चाहिए, चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जूलियन सेविलेस्टर। अगर इस प्लेयर की बात करो, देखो टीम से तो अपनी विकेट कीपिंग करेगा, विकेट कीपिंग से पॉइंट दे ही रहा है, और खेले गए 4 मैचों में भाई अच्छी फॉर्म में रहा, सिर्फ फर्स्ट मैच में 7 रन पर आउट हुआ, उसके बाद 61 रन की पारी खेली, और सेकंड लास्ट मैच में 27 रन की पारी खेल कर आ रहा है। तो अच्छा प्लेयर है, स्मॉल लीग की टीम में एक शानदार पिक रहने वाला है, दोनों तरीके से आपको पॉइंट दे सकता है, विकेट कीपिंग से भी बल्लेबाजी से भी। उसके बाद आता है स्टेफन नेत्राम। देखो स्टेफन नेत्राम की बात करूँ तो टीम से तो ओपनिंग आएगा, यानी कि पूरी पूरी इसकी बल्लेबाजी मिलने वाली है, और अपनी टीम की कमान भी संभाल रहा है, और 4 के 4 मैचों में भाई खतरनाक परफॉर्मेंस दिया इसने, लगभग सभी मैचों में इसने स्कोरिंग किया, 4 मैच में 2 तो इसके नाम 50 है और 2 में 30+ स्कोरिंग किया होता है। एक अच्छा प्लेयर है, हमेशा आपको 25 से 30 रन हमेशा को स्कोरिंग करके दे सकता है, और T10 में रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए स्मॉल लीग की टीम में एक अच्छा पिक रहेगा, GL की टीम में इसे कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जो अगले प्लेयर आते हैं मैं जूनियर हेनरी। देखो जूनियर हेनरी की बात करूँ तो फर्स्ट मैच में 44 रन बनाया था, और बाकी के उसके बाद 2 मैचों में फ्लॉप रहा, फिर जो लास्ट मैच खेला ने इसने 79 रन की पारी खेली थी, और मैंने आपको बोला था भाई इसको ड्रॉप नहीं करना, इसको लेकर चलना, अच्छा प्लेयर है। तो इसलिए स्मॉल लीग की टीम है ना, जो विकेट कीपिंग सेक्शन से स्मॉल लीग की टीम में ये तीनों ही प्लेयर परफेक्ट पिक रहने वाले हैं, और रोटेशन करके तीनों को आप GL में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बाकी एस अब्राहम की बात करूँ तो भाई खेलेगा नहीं, इससे बार इसके बारे में बातें करने से कोई फायदा नहीं है, नहीं टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पर X-Manuel। देखो X-Manuel की बात करूँ तो लास्ट मैच में भाई लोअर ऑर्डर में आया था बैटिंग करने के लिए, पर क्या है कि बंदा मिडल ऑर्डर का बैटर है, मिडल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, उम्मीद है कि इस मैच में भी आएगा। और खेले गए 3 मैचों भाई, एक में लास्ट में तो बैटिंग नहीं और एक में हाइस्ट स्कोर रहा इसका 42 रन, उसके बाद कुछ खास स्कोरिंग नहीं किया। ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करूँ ना तो 28 मैचों में इसने 14 की मात्र एवरेज के साथ स्कोरिंग किया हुआ है। तो एक काम कर सकते, अगर किसी प्लेयर को ड्रॉप करना चाहो ना, देखो सेफ्टी के लिए अगर जाना है तो स्मॉल लीग की टीम में इसको रख लेना अपनी टीम में, पर थोड़ा सा भी आप रिस्क टेकर हो तो इसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बंदा उतना अच्छा प्लेयर है नहीं, लीग स्कोरिंग करके देगा नहीं, अगर एक मैच में स्कोरिंग करता है तो 2-3 मैचों में फ्लॉप रहेगा लगातार। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, तो भाई अगर इसको रखना है कि नहीं रखना है, फिलहाल फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा कि रखना है कि नहीं रखना है, फिलहाल के लिए सिचुएशन मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से रख सकते हो किस प्रकार से नहीं रख सकते हो इससे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं यहाँ पे जमाल जेम्स। देखो जमाल जेम्स की बात करूँ तो टीम से तो अपनी ओपनिंग आएगा, मतलब ठीक ठाक बैटिंग मिलेगी, और इसने भी खेले गए 4 मैचों में भाई 2 में अच्छी इनिंग खेली, 1 में 53 रन पारी खेली थी, 1 में 41 रन की पारी खेली, लास्ट मैच में भाई 13 रन 13 बॉलों का सामना बना के आ रहा है। तो एक अच्छा प्लेयर है, कभी भी आपके लिए बड़ा स्कोर कर सकता है, तो सेफ्टी के लिए स्मॉल लीग की टीम में रख लेना, इसे GL की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा पिक रहने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं वी गवरेल। देखो जो वी गवरेल है ना, एक तो बैटिंग ऑर्डर 2 नंबर का बैटर है,
और खेले गए 4 मैचों में, 2 में तो अच्छा स्कोरिंग नहीं किया। फर्स्ट मैच में बनाए इसने 3 रन, सेकंड मैच में बनाए 12 रन, फिर उसके बाद बैटिंग नहीं, फिर लास्ट मैच में जो बैटिंग है इसने 36 रन की पारी खेल दी। तो भाई इसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि दूसरे नंबर का बैटर है और ज़्यादा बॉलें खेलने को मिलेगी नहीं। जो हमें क्या करना है T10 में ना, हमें जो 1 डाउन तक बैटर है उन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जिनकी ज़्यादा बैटिंग है वही तो आपको पॉइंट देके जाएंगे। तो इसलिए भाई आप इसको जेल की टीम में फर्स्ट बैटिंग है तो ट्राई कर सकते हो, इस मॉली की टीम में चाहो तो छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि कभी भी इसके भाई बैटिंग नीचे आती है तो कभी भी ये बैटिंग नहीं करता दिखेगा आपको। फिर उसके बाद डी थॉमस आते हैं। डी थॉमस की बात करूँ तो देखो बैटिंग ऑर्डर की बात करूँ तो टॉप ऑर्डर का बैटर है, 1 डाउन आएगा बैटिंग करने के लिए, और खेले गए मैचों में भाई ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। देखो परफॉर्मेंस तो उतना ठीक नहीं रहा है, पर क्या है कि बात है भाई सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है इसका, सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है, और साथ ही साथ ये बंदा आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है। क्यों हो सकता है कि देखो जो 3 मैच खेला ना उसमें पूरी तरह फ्लॉप रहा, लास्ट मैच में भाई 21 रन बना कर रहा है, सिर्फ ये ठीक ठाक इनिंग इसने खेली, उसके बाद जो उससे पहले 16 रन, फिर उसके बाद 0 स्कोरिंग है। पर इसका जो रिकॉर्ड देखा जाए ना 15 मैचों में इसने 273 रन स्कोर किया हुआ, जिसमें 30 की अच्छी एवरेज के साथ, तो एक स्मॉल लीग की टीम में अच्छा पिक रहेगा और साथ ही साथ आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बंदा अगर चल गया ना तो आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप करा सकते हैं। इसलिए स्मॉल लीग की टीम में एक अच्छा पिक रहने वाला, ट्राई कर लेना। जीएल की टीम में इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। रीजन इसका ही भाई 30 की स्कोरिंग के साथ इसने रन किया हुआ है, तो 30 की एवरेज का इसने स्कोर किया हुआ। बाकी टी वैनर, जे जोसेफ, ए चार्ल्स और मोनरॉस, ये इनमें से कोई भी आपके लिए अच्छा पिक नहीं रहने वाला है, इनमें से कोई खेलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर जो ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, सबसे पहले ऑलराउंडर में यहाँ पे कौन सा प्लेयर रहता है, डी एडवर्ड। देखो डी एडवर्ड की बात करो सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो कितना है, और 236 पॉइंट भाई दे भी चुका है अभी तक फैंटेसी पॉइंट, और भाई देखो बैटिंग तो करेगा ही करेगा, प्लस बॉलिंग से भी आपको बैकअप दे देगा। और भाई देखो बैटिंग से तो उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, पर बॉलिंग से लगातार इसने विकेट सेट खाए हैं। अगर लास्ट मैच को छोड़ दिया जाए ना तो उससे पहले देखो 4 विकेट, 1 विकेट, फिर 1 विकेट, तो लगातार इसने विकेट टेकर है। तो फर्स्ट बैटिंग आती है तो जेल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन, स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर आप इसे छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि बंदा दोनों तरीके से पॉइंट देगा। उसके बाद जो अगले प्लेयर आते हैं यहाँ पे ब्रैडली टिशन। देखो ब्रैडली टिशन की बात करूँ तो इसका बैटिंग ऑर्डर की बात करूँ 3रे नंबर का बल्लेबाज है, बैटिंग भी ठीक ठाक 10-15 रन स्कोर आराम से कर सकता है, प्लस इसके साथ भी बॉलिंग बैकअप है। 27 मैचों में 286 रन स्कोर किया हुआ है 19 की एवरेज के साथ, प्लस इसने 21 विकेट चटका है, तो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से आपको पॉइंट देगा, तो स्मॉल लीग की टीम एक परफेक्ट पिक रहने वाला, रख लेना इसे। उसके बाद जो अगले प्लेयर रहते हैं टेलर सुकवा, देखो टेलर सुकवा की बात करूँ तो 4थे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, और लास्ट मैच में भाई स्कोर किया था 0 फ्लॉप गया था, पर क्या है कि बॉलिंग बैकअप 2 के 2 ओवर बॉलिंग कराएगा, 2 ओवर 15 रन देके 2 विकेट इसने चटकाए थे। एक तो 2 के 2 ओवर बॉलिंग कराएगा और साथ ही साथ डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराएगा, तो एक अच्छा है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से आपको पॉइंट देगा, सिलेक्शन परसेंट भी ठीक ठाक है, तो स्मॉल लीग की टीम में सेफ्टी के लिए एज अ प्लेयर शानदार पिक रहने वाला, रख लेना इसे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं एस मैसमैन की बात करूँ तो ये जो प्लेयर है ना बैटिंग ऑर्डर पहले देख लो 2रे नंबर पर आएगा बैटिंग करने के लिए, और बॉलिंग की बात करूँ ना तो भाई तो देखो 2 ओवर में 9 रन खर्च किए थे और 3 विकेट चटका के गया था, तो बंदा बैटिंग भी से आनी है और बॉलिंग से पॉइंट देगा ही देगा, तो एक अच्छा पिक रहने वाला स्मॉल लीग की टीम में। इस टाइप के प्लेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते हो जो दो दिन तरीके से आपको पॉइंट देगा, तो स्मॉल लीग की टीम में पक्का ही से ट्राई कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं यहाँ पर डी जॉन की बात करूँ ना तो देखो बैटिंग से तो कम ही उम्मीद रखना, क्योंकि 5वें नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए, पर एक बात है कि भाई 2 के 2 ओवर बॉलिंग कराएगा और साथ ही साथ विकेट टेकर है। ओवरऑल 37 मैचों में इसने लगभग 30 विकेट लिया हुआ, तो एक अच्छा प्लेयर है, विकेट टेकर है, हमेशा आपको पॉइंट दे के जाएगा, तो स्मॉल लीग की टीम में आप चाहो तो छोड़ने का रिस्क ले सकते। अगर थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर ऊपर रहता ना तो इसको मैं कहता स्मॉल लीग की टीम में रखने के लिए, पर आपकी मर्जी, इसको रखना चाहो तो रख भी सकते हो, ड्रॉप भी करना चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, पर क्या है कि जेल की टीम में पक्का ही रख लेना, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज उतना है नहीं भाई का। तो अब जो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं यहाँ पे के प्रोस्पेयर, भाई इससे मत रखना इसको अपनी टीम में, लोअर ऑर्डर का बैटर और बॉलिंग उतनी मिलेगी नहीं, छोड़ देना। उसके बाद जो अगले प्लेयर यहाँ पे आते हैं जेडन इलबॉक्स, देखो जेडन इलबॉक्स की बात करूँ ना तो अगर ये बंदा ना आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, क्योंकि देखो इसका सिलेक्शन परसेंटेज इतना कम क्यों है, क्योंकि लास्ट जो मैच खेला था इसने स्कोर किया था 0 और बॉलिंग 2 ओवर में 31 रन खर्च किए थे और विकेट लेस गया था, पर क्या है कि बंदा देखो टॉप ऑर्डर में एक तो आ रहा है बैटिंग करने के लिए, प्लस इसके साथ 2 ओवर बॉलिंग कराएगा और 4 के 4 मैच में भाई फ्लॉप रहा, पर कभी भी आपके लिए अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है। जीएल के ना जीएल में आप कैप्टेंसी का सबसे अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, तो जीएल की टीम में इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग की टीम में भी आप इसे ड्रॉप नहीं कर सकते, 28 मैचों में 242 रन स्कोर किया हुआ है और इसने 18 विकेट भी चटका है, तो एक अच्छा प्लेयर है, एक शानदार प्लेयर रहेगा आपके लिए, ट्रम्प कार्ड पे की हो सकता है।
तो इसको रख लेना प्रिंट। और बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से आपको पॉइंट देगा। नीचे ये प्लेयर खेलेगा नहीं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। उसके बाद जो आते हैं सीधे सीधे बॉलिंग सेक्शन में, देखो बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले कौन सा प्लेयर आता है, डी मोनरोस। देखो डी मोनरोस की बात करूँ ना तो खेलेगा सभी मैचों, भाई को बॉलिंग मिली है, दो दो ओवर बॉलिंग करेगा, सब में विकेट लिया है, लास्ट मैच में दो विकेट, उससे पहले एक विकेट, फिर उससे पहले एक एक विकेट, दोनों मैचों में चार मैचों में लगभग इसने पाँच विकेट लिया है। तो एक अच्छा प्लेयर, विकेट टेकर है, एक शानदार पिक रहने वाला है। उसके बाद जो अगला प्लेयर यहाँ पे आते हैं जी जेम्स, जे जेम्स की बात करूँ ना तो दो ओवर बॉलिंग कराएगा, पिछले मैच में दो ओवर 20 रन खर्च करके तीन विकेट इसने चटकाए, फिर उससे पहले भाई एक विकेट, फिर विकेट लेस, तो विकेट टेकर है। इस टाइप के प्लेयर को आप छोड़ ही नहीं सकते। स्मॉल लीग की टीम में तो सिलेक्शन परसेंटेज भी इतना ज्यादा है, स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर शानदार पिक रहने वाला, रख लेना उसे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं यहाँ पे जे चार्ल्स, देखो जे चार्ल्स की बात करूँ ना तो भले ही सिलेक्शन परसेंटेज इसका कम है, पर क्या है कि विकेट टेकर है, भले ही लास्ट के दो मैचों में भाई विकेट नहीं मिला, पर क्या है कि पिछले मैच में दो ओवर में 11 रन खर्च किए थे इसने, अच्छा बॉलर है, दो ओवर बॉलिंग कराएगा और आपको विकेट देगा, साथ ही साथ आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक भी हो सकता है क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है। एक अच्छा प्लेयर है स्मॉल लीग की टीम में, इसे आपको लेकर चलना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर आते हैं रेमी मोंटोट, भाई इस प्लेयर को क्या करना है कि आपको ड्रॉप करके चलना है क्योंकि ओवर मिलेगा तो एक ही ओवर मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो इसको कर सकते हो जीएल की टीम में ट्राई, मॉली की टीम में ट्राई करना है। उसके बाद जो वेन प्रोस्पेयर आते हैं, भाई देखो पिछले मैच में इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो शानदार परफॉर्मेंस किया था, दो ओवर में मात्र 5 रन दिए थे और दो विकेट चटका दिया था। उसके पहले भाई दिन दो विकेट चटकाए थे, सिर्फ फर्स्ट मैच में विकेट लेस गया था। तो इस चीज़ को देखते हुए आप इस जीएल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो फर्स्ट बॉलिंग सिचुएशन में, क्योंकि कभी कभी आ जाता है डेथ के ओवर्स में बॉलिंग कराने। बाकी इस मॉली की टीम में भाई ऐसे कई सारे प्लेयर हैं जो अच्छा खासा इससे पॉइंट देकर जा सकते हैं, तो इसलिए इसको भाई ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। आपकी मर्जी चाहो तो ले भी सकते हो, अच्छा भी पिक हो सकता है, पर इसको मैं आप छोड़ना, रखना होगा तो रख लेना, बाकी ड्रॉप करना होगा ड्रॉप कर सकते। बाकी टेलीग्राम के चैनल पर मैं आपको बता दूंगा कि रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, फिलहाल के लिए मान के चलना कि भाई इसको ड्रॉप करके मैं चल रहा हूँ। बाकी नीचे का कोई भी प्लेयर आपके लिए अच्छा पिक नहीं रहने वाला, इनमें से अगर कोई प्लेयर खेलता है इनमें से तो मैं आपको बता दूंगा किसे रखना है किसे नहीं रखना है, बाकी का आपके लिए कोई भी अच्छा पिक नहीं रहने वाला। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ भाई तो देखो कैप्टनसी के लिए जो अच्छा पिक है, देखो भाई हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किस प्लेयर को बनाना है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से आपको पॉइंट दे सके, तो इसमें तो ऐसे कई सारे कमी प्लेयर हैं जो टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए और दो के दो ओवर बॉलिंग करा रहे हैं, पर क्या है कि जो मिडिल ऑर्डर में भी आ रहे हैं और दो ओवर बॉलिंग करा रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। तो कैप्टनसी ऑप्शन में कौन से प्लेयर हो सकते हैं, यहाँ पे एडवर्ड हो सकते हैं, टीसन हो सकते हैं, सुकवा और मेसमैन, ये चारों ही अच्छे प्लेयर अच्छे पिक होंगे कैप्टनसी के लिए और वाइस कैप्टनसी के लिए। बाकी यहाँ से बैटिंग सेक्शन से आपको जीएल का कैप्टन जे जेम्स अच्छा पिक रहने वाला है और यहाँ से डी थॉमस भी एक अच्छा ही ट्रम्प कार्ड पिक होने वाला है जीएल की टीम के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। उसका जो स्मॉल जीएल की टीम में सिल्वेस्टर और नेत्राम, ये स्मॉल लीग की टीम में भी अच्छे वीसी के ऑप्शन होने वाले हैं क्योंकि जो नेत्राम तो खास करके क्योंकि विकेट कीपिंग से पॉइंट प्लस अच्छी फॉर्म में है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बता दिया भाई। तो बाकी जाकर जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है भाई वीडियो देखने के लिए, आपका आप सबका कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।